दिल्ली दे मंत्री अते आप नेता आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करन अते आप उम्मीदवारों के लिए वोटा मंगन के लिए मैदान दे विच उतरेगी। इसकी शुरुआत भलके दिल्ली तो होगी 27 अप्रैल नूं पूर्वी दिल्ली दे विच रोड शो करेगी अते लोक सभा फिर अते 28 अप्रैल नूं पछमी दिल्ली लोक सभा हल्के दे विच रोड शो करेगी। सुनीता केजरीवाल पंजाब हरियाणा अते गुजरात का दौरा भी करेगी। सो दिल्ली पंजाब दे नाल नाल पूरे देश के लोग अरविंद के हक दे विच वोट पाउणगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट देके वो इस गिरफ्तारी का जवाब देंगे। कल से यानी 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने के लिए प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली में प्रचार करेंगी, वो पंजाब में प्रचार करेंगी, वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे प्रचार करेंगी, वो गुजरात में भी प्रचार करेंगी। इससे पहले हमने देखा कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगती रही है, पिछली बार भगवंत मान के लिए वोट मांगने जी, लेकिन इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं, आप लोगों के लिए कैंपेन कितना चुनौतीपूर्ण है या उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा अकेले वोट मांगना? देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने जा रही है। दिल्ली के लोगों का प्यार, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और कल जब वो ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में जाएंगी, परसों जब वो वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में जाएंगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग उनको अपना आशीर्वाद देंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देंगे और आम आदमी पार्टी